हम सुल्तानों की सुल्तान सफिया सुल्तान, और ये महज अल्लाह का फजल है कि उसने हमें ऐसी जिंदगी अता की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इस सराय हुमायूं में हमने जन्नत भी देखी और जहन्नुम भी, चाहने वालों का साथ देखा और उनकी जुदाई देखी, वफादारियां देखी, खयानत देखी। सो यूं समझो, सब कुछ देखते रहे, लुत्फ उठाते रहे, दुख सहते रहे। जानती हो, ये सर्द गरम दौर सिर्फ इस सल्तनत के लिए, इस खानदान के मुस्तकबिल के लिए देखी हमने। और अपनी आखिरी सांसें भी इसके मुस्तकबिल के नाम कर देंगे। ये इस खानदान का मुस्तकबिल ही था जिसकी वजह से हम अपने बेटे की तख्त नशीनी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कामयाब ना हो सके। सो ये ख्वाहिश शायद हमारी गलती थी कौसम, अंदर सब ठीक तो है ना बुलबुल? झांक कर देखें। आज तक हमने जितनी भी जंगें लड़ी वो इस उम्मीद पर नहीं लड़ी कि जीत ही हमारे हिस्से में आएगी, क्योंकि हार इंसान को लड़ने की उम्मीद देती है कौसम। लेकिन तुम वो हो जिसने हमसे वो उम्मीद भी छीन ली कौसम। तुम्हें याद होगा, तुमने एक दिन कहा था कि इस अंगूठी को वो मलकाएं पहन सकती हैं जिसको पहनने के लायक हों। ये तुम्हारी हुई, इन्होंने जहर खा लिया। मलिका, मलिका, ये आपने क्या किया? कुछ नहीं होगा। आगा, तदीबा को बुलाओ। हम तुम्हें आजाद करते हैं, तुम्हें आजाद किया, अब तुम आजाद हो, आजाद। नहीं नहीं पिता, ऐसी बातें मत कीजिए आप। आजाद हो तुम्हें। तदीबा क्यों नहीं आई अभी तक? यो मेरे माँ। कोई बुलाओ तदीबा को। खड़े खड़े देखते रहे, उसे की जाओ, जल्दी करो, जल्दी तदीबा को बुलाओ। मलिका, आपको कुछ नहीं होगा, बस अभी थोड़ी देर में तबीबा आ जाएगी, अब ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती मलिका। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। Thank you.